रविवार को सरायकेला में देव स्नान पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। चंदन यात्रा के बाद ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा के दिन महाप्रभु जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मंदिर के गर्भगृह से बाहर आते हैं। देव स्नान के लिए रविवार को सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर में इकट्ठा होने लगे थे। ज्येष्ठ पूर्णिमा के इस दिन सरायकेला के जगन्नाथ मंदिर में पारंपरिक तरीके से मंत्रोच्चार के बीच भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और महाप्रभु जगन्नाथ का मंगल स्नान संपन्न हुआ। देव स्नान कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने भी भगवान को स्नान कराया। पौराणिक मान्यता के अनुसार ज्यादा स्नान करने के बाद भगवान की तबीयत बिगड़ जाती है और इस दिन उनका औषधियों से इलाज किया जाता है। देव स्नान को रथ यात्रा की शुरुआत माना जाता है। रविवार को शुभ मुहूर्त में तीनों प्रतिमाओं को मंदिर से बाहर निकाला गया। नए वस्त्रों का आसन बिछाकर उनकी विधिवत पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद गंगा जल, दूध, पंचामृत, फूल, चंदन, इत्र सहित अन्य सुगंधित द्रव्यों को 27 कुओं से लाए गए जल में मिलाकर उन्हें स्नान कराया गया और पूजन और आरती के बाद महाप्रसाद का वितरण किया गया। इधर मान्यता के अनुसार महास्नान के साथ ही महाप्रभु भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा बीमार पड़ गए और अगले 14 दिनों के लिए स्वास्थ्य लाभ के लिए चले गए। अब अगले 14 दिनों तक भगवान जगन्नाथ का अनसर काल रहेगा, जिससे भक्तों के लिए भगवान जगन्नाथ का दर्शन वर्जित होगा। इस दौरान उन्हें औषधियों और काढ़ा का ही भोग लगाया जाएगा। उसके बाद भगवान के स्वस्थ होने पर 19 जून को नेत्रोत्सव के साथ ही महाप्रभु नए रूप में भक्तों को दर्शन देंगे। सरायकेला जगन्नाथ मंदिर काफी प्राचीन है एवं ऐतिहासिक महत्व है इसका, और इस बार पूरी के तर्ज पर जगन्नाथ जी का आज देवस्नान पूर्णिमा है। आज देवस्नान पुण्य में जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी को स्नान कराया जाता है और आज के बाद वो अंसर में चले जाते हैं, अंसर में अज्ञातवास में चले जाते हैं। और ये 19 तारीख को नेत्रोत्सव नवजवन जब होगा रथ यात्रा के पहले दिन, ये पूर्ण पूजा करने के बाद फिर से ये रथ यात्रा प्रारंभ होता है। देखिए इस बार प्रयास रहता है कि ये पारंपरिक रथ यात्रा है, जो पारंपरिक जो पूजा अर्चना है उसके साथ साथ हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको और भव्य तरीके से बनाने के लिए कुछ बाहर से बाजा इसका व्यवस्था किया जा रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और थोड़ा भव्य बनाया जाए, प्रयास किया जा रहा है, सबका सम्मिलित प्रयास है। यहाँ भक्तजनों का यहाँ पर श्रद्धा लगाव जुड़ा हुआ है और हम लोग इस पर प्रयास में लगे हैं। न्यूज विंग के लिए सरायकेला से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। टफन XT600 HCR TMT रिबा, पहले भी बोला था अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।